या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। जी हाँ, चैत्र नवरात्र शुरू होते ही मंदिरों में भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई है और ऐसे में जब माँ का पट खुला तो भक्तों का उत्साह दोगुना हो गया और भक्त भारी संख्या में माँ के मंदिर पर पहुँच भी रहे हैं। और ऐसे में हम आपको लेकर आए हैं अगम कुआं स्थित माता शीतला मंदिर में। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर भक्तों की कितनी भीड़ है और यहाँ पर आपको माता के दर्शन कराते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरा वाली जगदम्बे। जी हाँ, माता जो है वो उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, माता हमारे मन में है और हमें उनकी जब भी ज़रूरत पड़ती है माता अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं भक्तों के ऊपर। और माता का आशीर्वाद यूं ही हम सब पर बना रहे। और लगातार हम आपको शीतला मंदिर की तस्वीर दिखला रहे जहाँ पर माता की भव्य मूर्ति है, दिव्य स्वरूप यहाँ पर है। जो माता के नेत्र है वो भक्तों को शीतलता प्रदान करते हैं और ऐसे में चैत्र नवरात्र पर यहाँ पर भक्तों की काफ़ी संख्या में भीड़ लगी है। लोग माँ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और माता का स्मरण कर रहे हैं। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जी हाँ, माता का दरबार सजते ही भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है और भक्तगण ऐसे में भारी संख्या में माँ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। चैत्र नवरात्र से ही कहा जाता है, हिंदू मान्यता के अनुसार साल का शुभारंभ होता है और ऐसे में सृष्टि का जब सृजन हुआ था तो माता की आज्ञा अनुसार माँ ने अपने आशीर्वाद से सृष्टि के संसार को सृजन करने में मदद की थी और इसलिए चैत्र नवरात्र मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र के पावन दिन पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है माता शीतला मंदिर में। यहाँ पर कुछ भक्तगण हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है, आपने पूजा कर लिया? बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिलता है। आप नवरात्र पाठ कर रहे हैं? नहीं मैडम, बस अष्टमी को पूजा करने हैं। खोइचा भरने हैं? जी जी जी। तो माँ का दिव्य रूप, सौम्य रूप का दर्शन करके कैसा? बहुत सुकून मिला। सुकून मिला जी। क्या परिवार की खुशहाली? परिवार की खुशहाली के लिए ही प्रार्थना, तो सबका खुशहाली हो, पूरा पृथ्वी पे खुशहाली हो। बिल्कुल, तो सभी अपने अपने परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। तो कोई और कामना मुराद लेकर आए हैं? महिला भक्तगण की काफी ज्यादा भीड़ है क्योंकि पट खुल गया माता का। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। माता का खोइचा भर लिया? हाँ भर लिए। आपको कैसा लग रहा है? ठीक, अच्छा लग रहा है। कैसा लाती हैं? ठीक, हाँ हमारे एक बार आते हैं। शीतला मंदिर का क्या मान्यता है, क्योंकि आप जब बगल से आती हैं तो आपको बताओ। बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, जो भी सच मनोकामना होता है ना वो पूर्ण होती है। हाँ बिल्कुल, शीतला माता मंदिर के बारे में अपनी अपनी आस्था है लोगों की, लेकिन कहा जाता है कि माता चैत्र के वक्त ही चेचक का प्रकोप बढ़ता है और ऐसे में माता शीतला अपने भक्तों को शीतल प्रदान करती है, करुणामयी माँ शीतलता प्रदान करती हैं। और ऐसे में और भी भक्तगण हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। छोटे बच्चे भी हैं, कैसे लग रहे हैं आके? क्या देखा आपने? जय माता दी बोल दो। जय माता दी। जय माता दी बोल दो। जय माता दी। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग हर साल आते हैं एंड ये मेरी बेटी इस माता के आशीर्वाद से ही हुई है, पहली बेटी है, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हर साल आते हैं हम लोग बगल के। बिल्कुल, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा। अच्छा, माँ के दर्शन की? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तो हर साल छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पर माँ से आशीर्वाद लेने के लिए और हालांकि बच्चों में माँ के गुण होते हैं, बच्चों में माँ का अवतार होता है और भारी संख्या में जो भक्तगण है वो पहुँच रहे हैं और माता का पट खुलते ही खोइचा भी भरा जाता है। तो ऐसे में महिला श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है।
और भीड़ जो है वो धीरे धीरे और बढ़नी शुरू होगी। हालांकि देर शाम तक यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला चालू रहता है। तो भक्तगण पूजा करने के बाद अग्नि को साक्षी मानकर वहाँ पर हुमाद भी डालते हैं, और यहाँ पर और भी भक्तगण हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, पूजा करके शांति मिल रही है, व्यवस्था अच्छा है, अच्छा लगा। अच्छा, तो व्यवस्था को लेकर भी, क्योंकि मंदिर प्रांगण में काफ़ी संख्या में लोग होते हैं और सभी अपनी अपनी भक्ति में लीन है, और ऐसे में कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मन्नत पूरी होती है क्या यहाँ पे? हो जाती है। तो शीतला मंदिर का अपना एक इतिहास रहा है और भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। हो गया? हाँ, हो गया। कोई चाबी भरा गया? हाँ, भरा। क्या मन्नत है? मन्नत पूरी होती है? नहीं, मन्नत नहीं बताया जाता है, वो मन में ही रखा जाता है। हाँ, पूजा शांति तरीके से हो गई? हाँ हाँ, इतना भीड़ था फिर भी माता का होता है, एक आस्था और एक विश्वास भी है जिसकी वजह से ये लोग जो है यहाँ पे पहुँचने शुरू हो गए। सिर्फ महिला ही भक्तगण नहीं, पुरुष भक्तगण भी काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है सर यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था बहुत। कब से यहाँ पे लाइन में लगना पड़ा? नहीं तो लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ा आपको? कैसा लगा? थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ा, थोड़ा सा। परेशानी हुई तो हुई, लेकिन जी बिल्कुल दर्शन। तो सभी अपने अपनी कामना लेकर आए हैं और खुशहाली की कामना कर रहे हैं सब, और भी कुछ भक्तगण हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और हवन, क्योंकि पूजा के बाद हिंदू मान्यता के अनुसार हवन का एक खास महत्व होता है और हवन के बाद ही पूजा संपन्न होती है, और ऐसे में चैत्र नवरात्र है और चैत्र नवरात्र में हवन कर माँ का आवाहन किया जा रहा है, माँ को याद किया जा रहा है, माँ का स्मरण किया जा रहा है। और भी आइए आपको लिए चलते हैं मंदिर के अंदर और वहाँ पे माँ के दर्शन कराते हैं। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, और माँ का दरबार भी सज चुका है और यहाँ पे भक्तगण काफ़ी संख्या में पहुँच चुके हैं, और ऐसे में हम भी माँ के दर्शन करेंगे और माँ से आशीर्वाद लेंगे। बिल्कुल, तो माँ के दर्शन के लिए यहाँ पे हजारों संख्या में लोग जो है वो पहुँचने लगे हैं, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा भक्त भी उसके उतने ही दोगुने आस्था के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे और माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि माँ करुणामयी है और शीतला माता का अपना एक महत्व रहता है, और चैत्र नवरात्र से माँ के आशीर्वाद से ही नए साल का आगाज हो जाता है। और जय माता दी के नारों से पूरा जो मंदिर परिसर है वो गुंजमान नजर आ रहा है, और ये तस्वीर सीधे मंदिर परिसर से आपको दिखला रहे हैं, मंदिर के गर्भगृह की ये तस्वीर जहाँ पर नारियल तोड़कर माँ से सालों भर इसी तरह सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना लेकर महिलाएं जो है वो भारी संख्या में मौजूद नजर आ रही हैं, और ये सीधी तस्वीर मंदिर के गर्भगृह से आपको दिखला रहे हैं जहाँ पर भक्तगण काफी संख्या में काफी उत्साह के साथ माँ के लिए चुनरी लेकर मौजूद नजर आ रहे हैं, और साथ ही नारियल चढ़ाकर माँ से सुख शांति की कामना कर रहे हैं। और ये तस्वीर मंदिर के गर्भगृह की जहाँ पर माँ के भव्य माँ के सौम्य रूप को आप देख सकते हैं। हालांकि पूजा जो है वो सुबह से ही शुरू हो चुकी है, अहले सुबह से ही, लेकिन भक्तगण का उत्साह कम नहीं हो रहा है, भक्तगण भारी संख्या में पहुँच रहे हैं, माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं, सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं, साथ ही परिवार में किस तरह से खुशहाली हो, बरकत बढ़े, इसको लेकर भी यहाँ पर जो तमाम भक्तगण है वो पहुँचे हुए हैं। तो नवरात्र शुरू होते हैं, यहाँ पर जो दीप है वो जलते हैं, और ये अखंड दीप की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखला रहे हैं। यहाँ पर अखंड दीप यानी कि ज्योतिमय करुणामय, और यहाँ पर दिया जो है, बाती जो है, उसी झिल मिलाती हुई नजर आ रही है, और साथ ही यहाँ पर जो माँ का अनुष्ठान है 9 दिनों तक किया जाता है, साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती पाठ भी की जाती है, तीनों पहर यहाँ पर माँ की पूजा की जाती है, माँ का स्मरण किया जाता है, माँ को याद किया जाता है। कहते हैं कि चैत्र नवरात्र में चेचक का प्रकोप काफ़ी संख्या में होता है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो माता से शीतलता का आशीर्वाद लेकर
पहुंचते हैं और यहाँ पर कुछ संस्थापक भी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या सर ये बताइए कि कितना मैनेज करने में वक्त लगता है, क्योंकि दो साल बाद, कोरोना के दो साल बाद मंदिर पट खुल गया है लोग दर्शन के लिए। ये शीतला माता मंदिर अगम कुआ सेवायत प्रबंधक के द्वारा, नाम जयप्रकाश पुजारी, सेवायत प्रबंधक के द्वारा माँ शीतला का एकम से लेके नौमी तक का टोटल व्यवस्था भक्तगण के द्वारा किया जाता है। एकम को हम लोग कलश स्थापना करके माँ को जागरण करते हैं, उसके बाद श्रद्धालु के लिए पट खोल दी जाती है, उसके बाद पर डे माँ का भोग विलास श्रृंगार करके माँ का पट खोला जाता है और भक्तों के लिए आशीर्वाद स्वरूप दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। आज ये चैत्र नवरात्रि का अष्टमी पूजा है, काल गौरी की पूजा हो रही है, कल रात में निशा पूजा हुई थी, उसके बाद पट श्रद्धालु के लिए खोल दी गई है, उसके बाद श्रद्धालु की लंबी कतार अभी लगी हुई है जो कि आप देख रहे हैं। और हर भक्तगण को हम यही चाह रहे हैं कि जितना से जितना सेवायत प्रबंधक के तरफ से सुविधा दिया जाए वो हम लोग अपने कर रहे हैं, सेवायत प्रबंधक की तरफ से किया जा रहा है। मैं यही मनोकामना करूँगा कि जो भी दो साल में कोरोना काल में भक्तगण को तकलीफ हुई है, माँ उनको रक्षा करें, सुरक्षा करें, और ये जो कोरोना काल जो मतलब अभी आपको बीत चुकी है, माँ उनसे लोग को उबारें, यही हमारी मनोकामना है। और माँ शीतला मंदिर सेवायत प्रबंधक की ओर से सारे श्रद्धालुओं को मैं यही चाहता हूँ कि खुश रहें, आनंद रहें और खुशी खुशी फिर जो है कि ये आसीन नवरात्र में इसी तरह आप भी आइए, भक्तगण भी आए और माँ का इसी तरह हंसते खेलते दर्शन करें, यही हमारी मनोकामना है। शीतला मंदिर का यूँ तो कई सारी मान्यता है, लेकिन मान्यता के अनुसार क्या मान्यता के अनुसार ये चैत का एक बस यौड़ा होता है, उसमें माँ का शीतल पदार्थ चढ़ाया जाता है और रात में जाग के भक्तगण माँ का जो भी भोग के लिए बनता है, जैसे कि पूरी हो गया, खीर हो गया, चावल हो गया, कढ़ी हो गया, ये बना के सुबह सुबह लाया जाता है, जो कि अभी अष्टमी 24 मार्च को बीती है, जो कि भव्य रूप से यहाँ पर सिंगार हुई थी और भव्य रूप से भंडारा भी किया गया था, जो कि हर बसियौड़ा ये नव मतलब चैत में कि बसियौड़ा जो होती है उसमें हर साल ये होती है, दो साल वो भी नहीं होती, बाकी अब भव्य रूप से हुए हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर भंडारा भी करवाए हैं, लोग को दर्शन भी दिलवाए हैं और माँ का आशीर्वाद भी मिला लोग का। माँ के तो विभिन्न रूप होते हैं और एक बार आप माँ के विभिन्न रूपों का बिल्कुल, तो मंदिर कमेटी की तरफ से मुझे यहाँ पर जो है माँ का आशीर्वाद दिया गया है, क्योंकि माँ का एक अलग महत्व होता है और माँ का आशीर्वाद मैंने भी लिया और शीतला माता मंदिर का अपना एक महत्व है। यहाँ पर कोई भी जो भी भक्तगण पहुँचते वो खाली हाथ नहीं लौटते हैं, सदियों से ये मान्यता रही है और यहाँ पर कई लोग पहुँचते भी, और यहाँ के स्थानीय लोगों की काफ़ी ज़्यादा आस है माँ से। और मंदिर के संस्थापक हमारे साथ व्यवस्थापक राजीव रंजन जी भी हैं। सर ये बताइए कि कितना मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि भक्त की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। देखिए सब माँ यहाँ जो बैठी हुई ना, सब मैनेज हो जाता है, माता सब संभाल लेंगे, सच्चे मन से माता के दरबार में जो मांगिएगा ना माता सब पूरा करेगी। लोग दूर दूर से माता के भरोसे ही लोग आते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है, पूजा करके जो है ना जो भी सच्चे दिल से मांगेगा सब पूरा हो जाएगा। और शीतला मंदिर में भक्तगण काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं, हालांकि चैत्र नवरात्र चल रहा है, आसिन में भी और ज़्यादा भीड़ होती है, बाहर तक काफ़ी संख्या में लोग जो है वो नज़र आते हैं, तो जो भक्तों की कतार है वो काफ़ी संख्या में आनी शुरू भी हो गई है। और हमने भी मंदिर का दर्शन किया, माता के सौम्य रूप को देखा शीतला मंदिर में पहुँच कर, काफ़ी जो शीतलता जो है वो महसूस हो रहा है इस वक्त, और लगातार हम अब तक तस्वीर पहुंचाते रहेंगे शीतला मंदिर के। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वक्त मैं शीतला मंदिर में मौजूद हूँ और भक्तों की काफी संख्या में भीड़ है और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। आप दोनों पति पत्नी हैं जी? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, माँ से क्या मन्नत लेकर आए? मन्नत जो मांगे वो पूरा हो गया है, बस वही परेशान। क्या मंगाया था? यही मांगे थे कुछ, मतलब घर बन जाए, तो वही। अच्छा,
आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना नहीं, हर साल तो नहीं लेकिन इधर पिछले दो साल के बाद हमारे पिछले दो, हाँ कोरोना की वजह से बंद था। हाँ कोरोना की वजह से। रामनवमी भी है, उसमें क्या कुछ खास जगह जाना है? हाँ वहाँ स्टेशन जाएंगे, महावीर मंदिर। ये आपकी छोटी सी बच्ची है? हाँ। ये बोलती है? नहीं अभी नहीं बोलती है। बच्ची है और बोल नहीं पा रही है। और भी भक्तगण है जो पूजा करके निकल रहे हैं। माँ का, माँ के मंदिर में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मन्नत लेकर आई हैं? जी मन्नत तो नहीं, बस ऐसे ही पूजा करने चैत्र नवमी के अवसर पे आए हैं। दुर्गा पूजा चल रहा है, चैत्र नवरात्र चल रहा है। जी जी चल रहा है। बताइए उसके बारे में। जी मतलब माँ शक्तिशाली है, माँ की शक्ति रूपी है। आज अष्टमी दिन है, महाकालरात्रि का जो पूजा होता है नाइट में, माँ बहुत शक्तिशाली होती हैं, उनकी पूजा है और उसी में हम लोग आए हैं। माता जी दर्शन करेंगे, माता जी से मन्नत मांगेंगे, अब पूर्ण करती है माता जी, इसलिए फिर हम आए हैं। बहुत शक्तिशाली माता जी हैं। बिल्कुल शक्तिशाली है माता और आस्था भी है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग भी पहुँचे हैं माँ के मंदिर में दर्शन करने। हाँ माँ के बारे में कुछ शब्द कहना चाहेंगे? ये पवित्र, बहुत ही पवित्र पर्व है हम लोग का और ये माता सबका कल्याण करती हैं, तो हम यही सब लोग से कहते हैं कि वो बहुत ही पुण्य पर्व है और माता विश्व का कल्याण करेंगी। अभी विश्व की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो माता सब कल्याण करेंगी। या देवी शक्ति रूपेण सरस्वती नमस्ते, 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माती रूपेण सरस्वती नमस्ते। हर साल यहाँ पर आते हैं मंदिर में? महीना में एक दिन आते हैं मैडम, यहाँ महीना में एक दिन आते हैं। कितनी आस्था है इस आस्था? आस्था बहुत है, बाल बच्चा के लिए आते हैं, मन में शांति मिलती है। हाँ यहाँ आता, पूजा करने से मन में शांति मिलती है और शांति के बाल मंदिर में पूजा करने आई है। हो गई पूजा यहाँ? हाँ हो गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मन्नत लेकर तो फर्स्ट टाइम आए, मन्नत मांगने ही आए थे, फर्स्ट टाइम। पूरा जरूर हो जाएगा, यहाँ पे सुने हैं नाम तो। पटना की हैं? नहीं मैं पटना की नहीं हूँ। बाहर से भी लोग आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा, माता जी के दर्शन। हाँ जय माता दी बोल दीजिए। जय माता दी जी। तो भक्तों के द्वारा माँ को, माँ का आह्वान किया जा रहा है, माता को याद किए जा रहे हैं और माँ के जयकारे लगाए जा रहे हैं और मंदिर परिसर इस वक्त और भी ज्यादा जो है भक्तगण से पटा पड़ा है। भक्तगण भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माँ के दर्शन के लिए नारियल चढ़ाया जा रहा है, माँ को चुनरी चढ़ाई जा रही है। लेकिन माँ का जो मुख्य प्रसाद है वो पान और कसैली है, जो भी चढ़ाई जा रही है माता को खुश करने के लिए। माता का आह्वान किया जा रहा है, माँ को याद किया जा रहा है और जगह जगह पर लोग पूजा कर रहे हैं। और शीतला मंदिर की खास बात यह है कि सम्राट अशोक के द्वारा शीतला मंदिर का निर्माण कराया गया था और इसके पीछे जो खंडहर है और ये कुआं है, कुएं की आप तस्वीर को देख पा रहे होंगे आप, और इस कुएं के अंदर 7 और कुआं हैं और इसके नीचे तहखाना बनाया हुआ है। बताया जा रहा है कि 99 भाइयों को मारकर सम्राट अशोक ने इसे कुएं में फेंका था और इसके बाद एक तहखाना भी है जहां पर सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया तहखाने में उनके द्वारा रखा गया खजाना था। और इस कुएं की भी लोग पूजा करते हैं क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार हर एक चीज़ों को, हर एक धरोहर को संजोए रखना हमारा कर्तव्य है। और इस ऐतिहासिक मंदिरों में से ही शामिल है शीतला माता का मंदिर जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और लगातार हम भक्तों से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं और उनकी काफ़ी आस्था है। सिर्फ पटना ही नहीं, पटना के बाहर से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं माँ का स्मरण करने के लिए। और बरगद पेड़ की पूजा की जाती है, पीपल पेड़ की पूजा की जाती है, माता का आवाहन किया जाता है, माता को स्मरण किया जा रहा है और पीपल के पेड़ पर और नीम के पेड़ पर माँ को कह सकते हैं कि चुनरी चढ़ाई जा रही है क्योंकि शीतला माता जो है वो चेचक रोग से निवारण करती हैं। और कहा जाता है कि जब चेचक होता है तो नीम की डालियों से ही सहलाने से जो चेचक की फुंसियां है उससे राहत मिलती है। तो नीम पेड़ का भी अपना एक अलग महत्व है। और यहाँ पर और हवन कुंड में भभूत का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ से जो भभूति होती है वो फिर भक्तों में प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। और यहाँ पर फिलहाल अभी जो भभूति है वो तैयार की जा रही है और उसके बाद जब राख ठंडी होगी तो इस भभूत को निकाला जाएगा और भक्तों में बांटा जाएगा। तो अलग अलग महत्व हैं और ये ऐतिहासिक मंदिर है
प्राचीन काल से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि बाद में से मंदिर का निर्माण कराया गया और करीब 1997 में लालू प्रसाद यादव के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया, लेकिन पूजा जो है पहले छोटी सी पूजा होती थी, यहाँ पर छोटी सी मंदिर थी और वहाँ पर लोग पूजा करने आते थे। हालांकि मंदिर बड़ी हो गई है लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर लोग सदियों काल से यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं और इस कुएं की भी अलग मान्यता है, अलग अलग मान्यता है, अलग अलग भ्रांतियाँ हैं और इस कुएं की भी लोग पूजा करते हैं और कहा जाता है कि ये कुआं हमेशा भरा रहता है। और हालांकि यहाँ से निकासी के लिए सब कुछ बंद कर दिया गया है, लेकिन ये प्राचीन धरोहर है जिसे हम सभी संजो कर रखे हुए हैं और यहाँ पर भी श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। और इस मंदिर में काफ़ी शीतलता प्रदान होती है क्योंकि मंदिर जो है, मंदिर प्रांगण में काफ़ी सारे पेड़ पौधे, चाहे बात कर ले पीपल के पेड़ की, नीम के पेड़ की, जो कि इस मंदिर को और यहाँ पर जो लोग भक्तगण पहुँचते हैं उन्हें भी शीतलता प्रदान करती हैं और यहाँ पर सुकून का एहसास यहाँ पे जितने भी भक्तगण हैं वो आ रहे हैं उन्हें भी हो रहा है और मुझे भी सुकून का एहसास हो रहा है इस मंदिर में आकर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पटनावासी हैं वो तो यहाँ आते ही हैं लेकिन दूर दूर से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है क्योंकि दिन चढ़ रहा है और भीड़ भी है वो बढ़ती जा रही है। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, माँ दूजा कोई द्वार ना मिले। जी हाँ, जिस तरह चोट लगने पर हम अपनी माँ को याद करते हैं उसी तरह दुखों में जगत जननी माँ को याद की जाती है। माँ याद की जाती है और माँ के विभिन्न रूप है, करुणामयी रूप, ममतामयी रूप। अंगार माता का भी मंदिर है शीतला माता के मंदिर में, जहाँ पर करुणामयी माँ सभी के दुखों का निवारण करती हैं और ऐसे में जब भक्तगण कष्ट में होते हैं तो बिना बताए माँ सब समझ जाती हैं और माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, साथ ही साथ ये वरदान देती हैं कि उन्हें जो भी दुख हो उनके दुखों को वो कष्ट हर लेंगी, क्योंकि माँ को कष्ट हरनी माँ के नाम से भी जाना जाता है। माँ ममतामयी है, करुणामयी है, क्योंकि बड़े बड़े दुखों में लोग माँ को ही याद करते हैं, माता का आवाहन करते हैं और ऐसे में माता के दरबार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता है। माँ बिन मांगे सबकी मुरादें पूरी करती है और ऐसे में अगर कोई भक्तगण मुराद मांग ले तो फिर बात ही क्या है, माँ सभी के मुराद को पूरा करती हैं और सिर्फ मुराद ही नहीं, उन्होंने जो नहीं भी मांगा है वो भी उसे ज़रूर देती हैं। तो माता के द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, सबकी अपनी अपनी भक्ति है, अपनी अपनी शक्ति है, शक्ति के हिसाब से माँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं लोग यहाँ पर और माता यहाँ पर सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ पर जो खरीदारी करने वाले भी लोग पहुँचते हैं और छोटे से लेकर बड़े चीज़ यहाँ पर मिल जाते हैं और माता की छोटी छोटी मूर्तियाँ भी हैं जो कि भक्तगण यहाँ से लेकर जाते हैं, क्योंकि शीतला माता मंदिर में उनकी जो मूर्ति है उसके भी जो फोटोज़ है वो यहाँ पर उपलब्ध है और बात करें तो 20 रुपये से लेकर यहाँ पर 500 रुपये तक के जो फोटो फ्रेम है और माँ की जो पिंड दर्शन है या फिर करोटा की मंदिर की बात कर ले, पटना की महाकाली की, महालक्ष्मी की, सरस्वती की, तो सभी की यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो फोटो फ्रेम जो है वो यहाँ से भक्तगण खरीद कर ले जाते हैं और यहाँ पर जो बाज़ार है वो सज चुका है, गुलजार हो चुका है और भक्तगण माँ की महिमा को याद कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो आज हमने आपको पटना के प्रसिद्ध शीतला मंदिर के दर्शन कराए और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही और माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त,